आइए भक्तों, आज सुनते हैं कार्तिक मास की महात्म्य तीसरा अध्याय की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्य भामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका कारण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन ने पुत्र राजा पृथुक ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में तराही तराही मच गई। उस शंखचूर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोक पतालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्य के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उत्तर जब शंखचूर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुँचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखचूर ब्रह्मा जी के सत्य लोक में शीघ्र ही वेदों को हर लिया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चुंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखचूर ने वेद मंत्र तथा बीज मंत्र को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसे वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखचूर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उसे उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाना बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अभ्यास प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो आज अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखा सुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेद सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी
मुनि सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वो सब यज्ञ में अभित्य स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते हुए रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनापति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम अनेक धन्य धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचमन करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह पाप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी है और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन वेदों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा अध्याय संपूर्ण। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे को जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे छन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुन्नी और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करु विनय मैं माति तुम्हारी,
पूरन आशा करू हमारी, शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊ, करहु मात यश अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मागू मात या बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे, जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, बारह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप न वेद लगावे, करे आच मन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित पवित्र सिद्ध होई जाई, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, या श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।